Dear student, my name is Ahmed Maqsood and I am your computer teacher. I hope you are all fine. Today we are going to start our first lecture. Our topic is computer network, in which we will discuss what is network, what are the four basic components of computer network and server and client. So this is your book, Computer Education for 8th Class. Now let's start our lecture. Before starting our lecture, discuss the history of computer network. First of all, unit introduction. The advancement in computer technology has revolutionized among every aspect of our life. जैसे जैसे कंप्यूटर में एडवांसमेंट आई है उसने हमारी जो भी लाइफ थी जो भी जिंदगी के हिस्से थे उसमें एडवांसमेंट आई है. इन अर्ली डेज पहले दिनों में डाटा वाज नॉट शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस. जो पहला टाइम था अगर हम थोड़ी सी पहले बात करें तो डाटा जो था वो शेयर नहीं होता था कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के दरमियान. नाउ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड अमंग कंप्यूटर्स. लेकिन अब डाटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के दरमियान क्या होती है, शेयर हो रही है. The sharing of data among computers is referred as data communication. Data को computers के दरमियान जो share हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, data communication. This has increased the use of computers beyond the computer room. इससे हम क्या कर सकते हैं, computer को computer room के बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम facilities ले रहे हैं, उससे हम काम ले रहे हैं. Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to other computer. डाटा कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज पॉसिबल इफ इट दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर एज अ नेटवर्क. डाटा शेयरिंग उसी वक्त पॉसिबल है जब आपस में जो कंप्यूटर हैं वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं. और इनको कनेक्शन के लिए क्या होता है, इनका आपस में लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ कम टू अवर टॉपिक. First of all, what is computer network? Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as network. ज़्यादातर computer आपस में connect होते हैं किसके through? Network के through. This range from a small basic school or home network of only a few computer to large networks such as the internet. ये वेरी कर रहा होता है. अगर हम स्मॉल लेवल पर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एक बेसिक स्कूल का नेटवर्क भी हो सकता है, कोई होम घर में हमने नेटवर्क बनाया हो सकता है. लेकिन अगर हम लार्ज लेवल पर बात करते हैं इसकी तो इसमें क्या आता है, हमारे पास इंटरनेट आता है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज अ नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड इन अ सेम रूम बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का जो सेम जगह पर भी हो सकते हैं, एक ही रूम में, किसी बिल्डिंग में हो सकते हैं डिफरेंट जगहों पर और किसी डिफरेंट प्लेसेस पर भी हो सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क अनेबल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर नेटवर्क से हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर कंपोनेंट. आपके पास फिगर दी गई है, फिगर 1.1 शोज आ कंप्यूटर नेटवर्क. ये कंप्यूटर नेटवर्क को शो कर रही है. इसमें आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क दिखाया गया है छोटा सा जिसमें कुछ कंप्यूटर हैं और ये प्रिंटर इनके साथ अटैच किया गया है. अ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन ऑफिस कंपनी और इन अ कंप्यूटर लैब कनेक्ट्स मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स विद ईच अदर यूजिंग केबल्स. कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका किसी ऑफिस में हो सकता है, किसी कंपनी में है या किसी कंप्यूटर लैब में है, इसके थ्रू क्या होता है, एक तो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, दूसरे में हम डिवाइसेस इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि प्रिंटर है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, लैब में हमारे पास 10 पीसीस पड़े हैं और हमारे पास एक प्रिंटर है, तो हमने वो एक प्रिंटर तमाम पीसीस को क्या करवाना है, शेयर करवाना है. अब हम वो कैसे करवाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तमाम 10 पीसीस आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसके साथ वो प्रिंटर, तो इससे क्या होगा, वो प्रिंटर तमाम जो पीसीज हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ डू यू नो इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स विच अलाउज अ सब्सक्राइबर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, चैट और ब्राउज द वर्ल्ड वाइड वेब टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. इंटरनेट हमारे पास क्या है, इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन है नेटवर्क्स की. इंटरनेट को कहा जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि ज़्यादा सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क है. और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो है हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू. नेक्स्ट वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट्स ऑफ द फोर फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स, सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया.
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्क में हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंडिंग डिवाइस होती है, एक रिसीविंग डिवाइस होती है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है और ट्रांसमिशन मीडियम। नीचे एक फिगर दी गई है हमारे पास, इसमें दिखाया गया है ये सेंडर कंप्यूटर है जिसको क्या कहते हैं, सेंडिंग डिवाइस। ये रिसीवर कंप्यूटर है दूसरे एंड पर, यह है रिसीविंग डिवाइस। दरमियान में हमारे पास एक मॉडम आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन डिवाइस। और जिस पाथ के थ्रू ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन मीडियम या वायर, जो भी है। सेंडिंग डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। सिंपली जो नेटवर्क में डिवाइस मैसेज को सेंड करती है उसको क्या कहा जाता है, सेंडिंग डिवाइस। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, सेंडिंग डिवाइस यूजली एक कंप्यूटर होता है, और रिसीविंग डिवाइस क्या है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस डाटा को रिसीव करती है सेंडिंग डिवाइस से उसको क्या कहा जाता है, रिसीविंग डिवाइस। रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। ये कोई कंप्यूटर हो सकता है, ये प्रिंटर हो सकता है, या कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इनका काम होता है कम्युनिकेट करवाना आपस में। मॉडम इज अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। हमारे पास जो एक पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें है मॉडम, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास वो चैनल होता है, वो पाथ होता है जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, यानी कि वो रास्ता होता है जहाँ से डाटा ने ट्रांसफर होना होता है। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। जो नेटवर्क्स होते हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं दो तरह से, एक होता है वायरलेस मीडिया और एक होता है वायर्ड मीडिया, यानी कि केबल के थ्रू हो तो वो वायर्ड होगा, अगर सिग्नल के थ्रू हो तो वो वायरलेस मीडियम होगा। नेक्स्ट वन इज सर्वर एंड क्लाइंट्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स। अकॉर्डिंग टू दीज टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज एज आइदर सर्वर और क्लाइंट। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अगर हम इनको टास्क और जो रोल्स इन कंप्यूटर को असाइन होते हैं उसकी बिना पर इन कंप्यूटर को कैटेगराइज करें तो इसमें एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट को हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन इधर एक हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें हमें एक नेटवर्क दिया गया है, इसमें जो ये वाला है कंप्यूटर ये सर्वर का रोल प्ले कर रहा है और जो बाकी हैं ये क्लाइंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर इज अ पॉपुलर पावरफुल कंप्यूटर डैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वराइटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सर्वर हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो तमाम डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है, वो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोसेसिंग डाटा, डाटा को प्रोसेस करना, यूज़र ऑथेंटिकेशन, यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, यानी कि फेसबुक है जैसे कुछ और एप्लीकेशन है, यूज़र आता है और अपने अकाउंट पे लॉगिन होता है तो सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, सॉफ्टवेयर को शेयर करना, कंट्रोल करना और मैनेज करना नेटवर्क की ट्रैफिक को। नेक्स्ट वन इज क्लाइंट। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर, इट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल, डिवाइसेस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। जो क्लाइंट होता है हमारा वो एक लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है एज कम्पेयर टू सर्वर, वो रिलाई कर रहा होता है सर्विसेज के लिए और रिसोर्सेज के लिए अपने सर्वर पर, जिसमें वो फाइल की डिमांड भी कर सकता है, डिवाइसेस है या कोई प्रोसेसिंग वगैरह। ये अगर मैं इसकी आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ तो इसकी मिसाल ऐसे है क्लासरूम की, हमारा एक नेटवर्क है क्लासरूम में और जो सर्वर का रोल प्ले कर रहा है वो एक टीचर है और जो क्लाइंट है वो सारे स्टूडेंट्स हैं। टीचर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलाई कर रहे होते हैं टीचर पे। सो इट वॉज ओवर टूडे लेक्चर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। If someone have any question, you can ask me. I am available. Thank you.